कसरावद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कसरावद विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विधायक निधि से सर्व सुविधा युक्त कार्डिक एम्बुलेंस मेडिकल उपकरणों सहित स्वीकृति प्रदान की है। विधायक निधि से आज सचिन यादव ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 4 ऑक्सीजन जनरेटर भी प्रदान किए और सुभाष यादव फाउंडेशन के द्वारा 500 पीपी किट और 3 बड़ी भाप मशीनें जिसमें से 4-6 मरीज एक साथ भाप ले सके प्रदान की गई। इस अवसर पर सचिन यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसरावद को 100 वाहन की स्वीकृति प्रदान की है। पुण्यतिथि के अवसर पर कोविड सेंटरों पर भर्ती मरीजों और अटेंडरों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर विधायक सचिन यादव ने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए हमारी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इस बीमारी के उपचार के लिए किसी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज कोविड सेंटर में भोजन वितरण किया गया, किस तरह से था और क्या विशेष अवसर है? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज ब्लॉक कांग्रेस के सम्मानित सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनको एक श्रद्धांजलि दी गई और उसके माध्यम से आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम कोविड सेंटर में उनकी याद में आज भोजन वितरण किया। और आज जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन यादव जी के द्वारा जो कोविड सेंटर में प्रेशर मशीन 4 मशीनें भी आज ऑक्सीजन के लिए उपलब्ध कराई और एक एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस भी यहाँ कसरावद स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपलब्ध कराई गई। आज हमारे माननीय विधायक महोदय, आज स्वर्गीय भारत के सूचना की क्रांति के जनक एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन जी यादव के द्वारा कोविड सेंटर में जो कंसेंटर मशीन एसी और टूल की वो बहुत सारा सामान जो है कोविड में जो उपयोग में सामग्री लाई जाती है वो आज उनके द्वारा यहाँ पर प्रदाय की गई। साथ में कसरावद स्वास्थ्य केंद्र को उनके द्वारा कार्डिक एम्बुलेंस भी जो है आज उनके द्वारा दी गई। इसके लिए हम समस्त विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की ओर से आदरणीय विधायक सचिन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस कोविड सेंटर को जिले का सबसे शानदार, मैं तो कहता हूँ प्रदेश का शानदार कोविड सेंटर उन्होंने बनाया और उनके प्रयासों से हमारे यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पर काफ़ी मरीजों का इलाज किया गया जिनमें काफ़ी लोगों को सुधार कर उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ और घर पहुँचे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोविड की बीमारी है जल्द से जल्द समाप्त हो और साथ में जो है हमारे क्षेत्र के सभी नागरिक जो है स्वस्थ एवं प्रसन्न रहे। आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए यही कि सरकार के द्वारा जो कोविड के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क भी लगाए और साथ में किसी का यदि बुखार फीवर इस टाइप का आता है तत्काल जो है डॉक्टर की सलाह ले और अपना इलाज कराए और इस महामारी से बचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।